आज हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग में हम लोग को पता है स्प्रिंग में क्या होता है आपके पास कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। जैसे जैसे मास नीचे आता है मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे होते जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स होते जाता है। उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हल्का सा हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो स्लिंकी है यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो आप लोग एकदम ध्यान देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा जब ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। ओरिजिनली में क्या होना चाहिए कि ये भी नीचे आ जाए और ये भी नीचे आ जाए एक साथ, लेकिन जब तक कि ये वाला पोर्शन इस पॉइंट पे नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन वो रेस्ट में रहेगा। तो ऐसा हुआ क्यों इस स्लिंकी में, ऐसा जब ऐसा क्या चीज है कि ये वाला जो पोर्शन है वो ग्रेविटी को डिफाई कर देता है, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, तो इस स्लिंकी को अपन लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये है अपने पास कि इसमें ऊपर वाला पोर्शन ये वाला मान लीजिए और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ये वाला मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे वाले पोर्शन में नीचे मतलब नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है क्या रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में f इज इक्वल टू mg होने के कारण या फिर kx इज इक्वल टू mg होने के कारण क्या होता है यहाँ पे टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स जो हो जाता है क्या हो जाता है वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमेशा क्या लगेगा मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में और यहाँ पे क्या लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर पाता और ये जो बॉडी है वो मेरे यहाँ पे रेस्ट में रह जाती है। लेकिन इस पॉइंट पे जो ऊपर वाला पोजीशन है वहां पे मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे रहेगा और यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग रहेगा या फिर रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो भी नीचे आएगा। इस कारण ये वाली जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी नीचे आने का कोशिश करती है जब ये वाली बॉडी क्या रहती है रेस्ट में रहती है इन सबके हेल्प से जो यहाँ पे स्प्रिंग है उनकी हेल्प से। ठीक है, तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि फिजिक्स मतलब यहाँ पे स्प्रिंग की जो है वो ग्रेविटी को डिफाई कर देता है, बस यहाँ पे एकदम सिंपल से फिजिक्स की जो यहाँ पे स्प्रिंग के लिए काम कर जाता है।